जन जन की आवाज़ जी एन भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और अभी मैं मौजूद हूँ रांची के चाणक्य बिहार होटल में, जहाँ पर सावन को लेकर के एग्जीबिशन लगाया गया है और ये एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी तरह के कपड़े, ज्वेलरी, स्लीपर्स से लेकर के ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो हैंडमेड है, काफ़ी कुछ है, सोराई पेंटिंग्स एंड ऑल काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि आपको विजुअल के माध्यम से अपने स्क्रीन पर हर कुछ दिखाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ है, कपड़े से लेकर के एक ज्वेलरीज से लेकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज्वेलरीज है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़े भी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज हैं। वहीं आइए हम उनसे बात करते हैं कि आपका एग्जीबिशन कब से लगा है। कल और आज दो ही दिन। दो ही दिन कैसा रहा दो दिनों में आपका ये सावन मेला? बहुत अच्छा रहा। आपको जनता से कैसा रिव्यू मिला? जनता तो बोल रही है कि बहुत अच्छी कलेक्शन है और पसंद भी कर रहे हैं, और जैसे हमारे स्टोर्स हैं बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, तो जो जहाँ भी जाता होगा तो बोले हम आपके स्टोर आएंगे, विजिट करेंगे। रांची में स्टोर्स नहीं है? नहीं, रांची में। हाँ, बहुत लोग करण जौहर के नाम से तो लोग डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं, तो और पता भी है कि उनकी जो भी अप्रोच है डिज़ाइन या फैशन के प्रति बड़ी अच्छी अप्रोच है उनकी, तो उसको जानते हुए समझते हुए लोग डेफिनेटली मतलब वो जान रहे थे कि जो भी देखेंगे वो अच्छा ही दिखेगा। क्या शुभ नाम हुआ? रजनी। तो हमने ज्वेलरी वाले शॉप में जो रजनी दी है उनसे बात किया और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो बेसिकली जो जौहर के नाम से, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इससे काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ अच्छा दे करके जा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ों का दुकान भी लगाया गया है, कपड़े की सेल्स भी है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं। आइए हम कुछ कस्टमर्स से भी बात करते हैं जो यहाँ पर सामान खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप क्या देख रही हैं, क्या लेने आई हैं? 8,000 कुछ नहीं बोलना चाहेंगे क्यों? तो ये बहुत ज़्यादा शाई कस्टमर है, ये कुछ कहना नहीं चाहती हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लेने आई हैं आप एग्जीबिशन में? कुछ नहीं, देखने कुछ नहीं, बस देखने आए हैं, कुछ लेना नहीं है आपको? नहीं। आप कह रही हैं कि आप कुछ नहीं ले रही हैं? अभी तो देखने आए थे, पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं आए हैं माइंड सेट पे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो कस्टमर्स का ये भी कहना है कि अगर उनको कुछ पसंद आ जाए, कुछ अच्छा लग जाए, तो वो यहाँ से कुछ ख़रीदारी करके भी जाएंगे और नहीं तो फिर नहीं भी लेंगे। वो सिर्फ घूमने भी आए हैं, देखने आए हैं ये एग्जीबिशन मेले को। तो वहीं अभी हम एक ऐसे जगह पर पहुँचे हैं, ये एक सुराई पेंटिंग है जिसे हाथ से बनाया जाता है और बेसिकली ये झारखंड का है, ये हमारे झारखंड का चीज़ है और ये बनाने वाले ये खुद ही हैं, ये जो हाथ से बनाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीता कुमारी है। ये आपने बनाया है? हाँ, ये स्टॉल का पूरा काम मेरा बनाया हुआ है। किस चीज़ से बनाती हैं? हर चूँकि ये सोराई का स्टॉल मैंने लगाया है, सोराई आर्ट जो यहाँ का झारखंड का आर्ट है, तो इसमें हर जन हमारे रोज के जीवन में जो भी काम यूज़ होता है उसमें मैं सोराई पेंटिंग करती हूँ। तो मैं हमारा उद्देश्य सोराई को प्रमोट करना है और इसलिए मैं हर चीज़ पे सोराई पेंट करके इसको प्रमोट कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? इसको बनाने के लिए देखिए हर तरह की चीज़ों में अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। बेसिक कलर अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे ये आदिवासी आर्ट है और कलर्स हम लोग एक्रेलिक यूज़ करते हैं और पेपर में जैसे वाटर कलर यूज़ कर लेते हैं, तरह तरह की चीज़ों में अलग अलग कलर्स को यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ये सोराई आर्ट का फॉर्म है। हाँ, इसमें जनजीवन को दिखाया गया है, जंगल के जनजीवन को दिखाया गया है। ये इसमें डांसिंग लेडीज होती हैं, ये सारे आर्ट को, चूँकि ये चूँकि ये आर्ट को हम लोगों को अपने में उतारना है, अपने लोगों में, और हम सबको इसका प्रयास करना है कि इसको फैशन के तहत लाया जाए और अपने सामान में डाला जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे देश में, दुनिया में ऐसे भी चीज़ें हैं, इतनी सुंदर सी सुंदर चीज़ें जिसको लोग हाथ से बनाते हैं, कलाकारी आप देख सकते हैं लोगों की
कि काफ़ी सुंदर से सुंदर चीज़ है। आप देख सकते हैं ये इस पर जो पेंटिंग है ये काफ़ी प्यारा है। आप देख सकते हैं ये हाथ से बनाया गया है, एक्रेलिक कलर्स यूज़ करके बनाया गया है। वहीं हम आपको दूसरी जगह पर लेकर चलते हैं और वहाँ पर अब हम आपको कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाते हैं। वहीं अभी हम एक ऐसे जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और हमने आपको कुछ दिन पहले तक दिखाया था कि जो गाँव में महिलाएँ होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो कुछ अपने हाथों से घी ये सब बना कर भेजती है। लेकिन वहीं हमें दूसरी जगह एग्जीबिशन में भी ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये घी, ये अचार, आपको काफ़ी कुछ ये ऑर्गेनिक चीज़ देखने को मिलेगा, ये हल्दी। वहीं हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये खुद से बनाती है क्या। हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर्स है पूरे इंडिया में, 24 ट्रेनिंग सेंटर्स। वहाँ हम लोग वहाँ के लोकल लोगों को, लोकल जो किसान हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको ट्रेन करते हैं कुछ ऐसा उत्पाद करने के लिए जिससे कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसमें महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा रोल होता ही है, लेकिन बाकी भी हमारे युवा हैं, फार्मर्स जो हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो पहले खाली नशम में व्यसन मुक्त रहते थे, व्यसन का परे का यूज़ करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, आज के दिन वो सारे किसान, हमारे करीब 3000 किसान पूरा चकधरपुर एरिया में है। मैं झारखंड की यदि बात करती हूँ, चकधरपुर और गिरिडीह, ये दो हम लोग की एरियाज़ हैं। तो चकधरपुर में हम लोग अब उनसे हल्दी उगवाते हैं। आज ये जो हल्दी हम आपको दिखा रहे हैं, इसके मापदंड 3 होते हैं। एक तो वेदर इट्स ऑर्गेनिक और नॉट, दूसरी चीज़ है इसका कर्क्यूमिन लेवल क्या है। आफ्टर टेस्टिंग इसका कर्क्यूमिन लेवल 8.3 है, और इसमें 100% ऑयल है। बाकी की बाज़ार की जो भी हल्दी है उसमें ऑयल भी नहीं रहता है, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज़ करती हैं, और न ही उसमें कर्क्यूमिन लेवल 2.5 से ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक प्लस गिरिडीह में हम लोग किसानों को ट्रेन किए हैं। उस एरिया में एक चावल बहुत होता है, ये गोविंद भोग चावल है, ढेकी का हाथ से कुटा हुआ चावल। इसकी खासियत क्या है? हाथ से कुटा हुआ चावल आजकल नहीं मिलता, सब मशीन पॉलिशिंग किया हुआ है, नॉन पॉलिश्ड है, और हाथ से कुटा हुआ चावल का स्वाद भी अलग है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इस एग्जीबिशन में बात किया, काफ़ी लोगों से बात किया, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, और कहीं ना कहीं आपको कभी देखने को नहीं मिलता है। सारी चीज़ों में आजकल मिलावटी और सारी चीज़ जहर हो चुका है, और उसको खाकर भी लोग काफ़ी टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। ये जो पहले के लोग हैं, पहले जनरेशन के लोग हैं, वो जो टाइम का खाना होता था, और आज अगर ये आपको ऑर्गेनिक चीज़ मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश में अच्छा चीज़ है खाने को। तो अभी हमारे साथ मौजूद है ये मेले की संचालक, और इनसे बात करेंगे। इनका नाम है रीना अग्रवाल। आइए इनसे बात करेंगे कि रीना जी, आप ये एग्जीबिशन का पूरा देख रेख कर रही हैं। मैं 2013 से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो पहले मेरा हमेशा ये मकसद होता था कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें। तो किसी भी चीज़ को करते करते वो सक्सेस होता है। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगता था किसी भी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करने में, फिर धीरे धीरे करते करते रांची के लोगों को काफ़ी टेस्ट आ गया एग्जीबिशंस का, कि वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ नया मिलेगा। पहले दिल्ली से मुंबई से लोग नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे, क्या पता रांची जाएंगे लोग परचेस करेंगे कि नहीं, उनका कुरियर चार्ज लगता है, उनका आने जाने का एक्सपेंस। लेकिन रांची आने के बाद वो लोग एक बार आए हैं तो वो बार बार आते हैं, हमेशा उनको वेट होता है कि रीना जी आप कब करें नेक्स्ट एग्जीबिशन, सो दैट के मैं फिर से आऊँ। तो जो कस्टमर्स या फिर जो एग्जीबिशन लगाते हैं उनका रिव्यूज़ और फीडबैक्स कैसा मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है, कलेक्शंस भी अच्छे मिलते हैं, और कस्टमर्स को भी वेट होता है फैशन पॉइंट एग्जीबिशन का, जैसे एग्जीबिटर्स को होता है वैसे कस्टमर्स को भी रहता है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं हर फील्ड से लोग आए, डिफरेंट कलेक्शन मिले, बेस्ट रहे, जिससे कि सबका ही मार्केट, सभी को मार्केट मिले, एक जैसा एक भी स्टॉल नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो 2 सालों में कोविड आया था तो उस टाइम तो एग्जीबिशन नहीं लगा, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हुआ इसी से सभी को, मतलब इस एग्जीबिशन में बहुत कुछ नया मिल रहा है, क्योंकि सबके अलमारी खाली हो गए हैं, इसके बाद सब कलेक्शन बचा नहीं, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे कि एग्जीबिशन आना चाहिए, और बड़ा एग्जीबिशन जिसमें सारे लोग आए। कैसा रहा 2 दिन का सफ़र? बहुत अच्छा, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, एक एक लोग 5-5, 6-6 पैकेट लेके निकलते हुए दिख रहे हैं।
तो हमने रीना अग्रवाल जी से बात किया, उन्होंने बताया कि ये जो एग्जीबिशन का 2 दिन का सफ़र था ये काफ़ी अच्छा रहा, जो कस्टमर्स हैं या फिर जो एग्जीबिशन लगाते हैं वो काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ देके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सावन शुरू हो चुका है और सावन के बाद हर जगह मेले लगने शुरू हो चुके हैं, एग्जीबिशन लगना शुरू हो चुका है, और आप भी जाएँ, इस मेले को इंजॉय करें, इस मेले में, इस एग्जीबिशन में जाएँ और ख़रीदारी करें, अच्छे से अच्छी चीज़ लें। जीएन भारत भी आपको सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ देता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। रांची से शिखा श्रेया के साथ मैं राशिका बजाज, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।